आज नहीं छटंगा खान बहादुर को। ओए समझता क्या है, 7 साल से मेरे मकान में रहता है, आज तक कराया नहीं दिया। क्या बात है लाला, फटे हुए दूध की तरह उबल क्यों रहा है? बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? ओए बीवी ने मुझे नहीं, मैं तुझे अपने मकान से निकालने वाला हूँ। क्यों लाला? ओ इसलिए कि तूने 7 साल से मेरे मकान का किराया नहीं दिया। मकान? कौन सा मकान? ये जमीन, ये 4 दीवारी, इस छत को तू मकान कहता है? बिल्कुल हाँ। एक मिनट। अरे तूने मेरा दूध क्यों फेंक दिया? मक्खी थी इसमें, मर जाता तू तो मैं तेरी छत पे रहा? नहीं। इस 4 दीवारी से चिपक के रहा? बिल्कुल नहीं। जमीन पे रहा ना? हाँ। और जमीन तो भगवान की है, अब तू ये साबित कर दे कि ये जमीन तूने भगवान से खरीदी है तो मैं तुझे किराया दे दूंगा। खान मैं जमीन भगवान से कैसे खरीद सकता हूँ? ये जमीन तो मेरे दादा ने खरीदी थी। तो एक काम कर, जा अपने दादा को बुला के ला। दादा को? अरे वो तो मर गया है। ठीक है, तेरे दादा ने जिससे खरीदी उसको बुला के ला। अरे वो भी मर गया है। तो भाई उसने जिससे खरीदी थी उसको बुला के ला। ओए खान वो सारे के सारे मर गए। सारे मर गए? सारे मर गए। तो तू काहे को जिंदा, तू भी मर जा। ए बात बिल्कुल ठीक है। सुनो जी। आया जी। ओए खान कितने जा रहा है तू? अरे बीवी मेरी है, मुझे बुला रही है। तो तू जाना यार, मैं समझा तू नहीं जा रहा। माल का खान है, बीवी मुझे बुला रही है, जा रहा है तू? जा। बच गया, बच गया। ए खान बहादुर बचो। ओ जी खान, ओए सवेरे सवेरे सर पे पट्टी बांध कर कितने जा रहा है? सर में बहुत दर्द है यार, मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। अरे इस दौर में दवाई शुवाई नहीं लेनी चाहिए, साइड इफेक्ट हो जाता है। कल रात मेरे भी सर में बहुत दर्द हुआ और मैं दवाई शुवाई नहीं लिया। मेरी बीवी के पास गया, उसको बोला सर में तेल लगा दे। उसने मेरे सर में तेल लगाया और अपनी गोद में लिटाकर प्यार से मालिश वालिश की, मैं सो गया। ओ जी सरकार, 1 घंटे के बाद जब मैं उठा मेरा सर दर्द गायब। क्या बात करता है? अरे बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अरे अरे ओ खान, इत्थे कित्थे जा रहा है? अंदर तेरे घर में, तेरी बीवी घर में है ना? अरे बीवी है तो तुझे इससे क्या? मैं सोच रहा था थोड़ा सा वो करवा लेता तो मेरे भी दर्द। ओ खान, पहले मेरा घर ले लिया, अब क्या मेरी बीवी भी लेगा? अच्छा ये दवाई ले लेता हूँ। वो अजीब खान से पाला पड़ा है, एक तो दुआई बताओ ऊपर से बीवी को लेना मारता है, आइंदा मेरी दहलीज के पास भी नहीं आना। गया लगता पत्थर मार के अपना सर फोड़ लूं। अपना सर फोड़ क्या फायदा, दर्द थोड़ी जाएगा। सर में मेरे दर्द है, चिल्ला कोई और रहा है, लाला गिर गया। देख खान, आजकल तुझे थोड़ी सी टेंशन है, सनी की दिशा ठीक नहीं है, लेकिन 1 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे तेरा राजयोग आएगा, उन्नति उन्नति होगी, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, धन भी बहुत आएगा। अच्छा, अरे वाह, चलो 1 साल तक इंतजार करते हैं। अरे, चलता अरे भाई मेरे पैसे। अरे आप तो पैसे भी लेते हैं, कितने पैसे? हाथ देखने के 5.25 रुपए। 5.25 रुपए? हाँ। बस इस महंगाई के दौर में, अरे आजकल तो 5.25 रुपए फकीर नहीं लेता है। नहीं नहीं साहब, मैं तो आपको 1 से 1 रुपया दूंगा। दे दो दे दो। अभी थोड़ी, जब मेरा अच्छा टाइम आएगा तब। अरे लेकिन, अरे कम से कम आपने क्या कहा था कि मेरा अच्छा टाइम आएगा, और जैसे ही मेरा अच्छा टाइम आएगा सबसे पहले मैं आपके हाथ में लाके 1 से 1 रुपया रख दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, 5.25 ही दे दो भाई। अरे 5.25 रुपए देगा आपका अपमान थोड़ी का। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी बात सुनो। ए चुटकू, देख रहे बाबा खान ने क्या खिला दिया, 10 रोज से कम हो गया है। ये लो इसमें दवाई पी लो, घोड़े का जमाल घोटा है, पेट साफ हो जाएगा। अब जा, घोड़े की दवा मैं पीऊं, कोई और दवा ला। ऐसे मत कर, ऐसे मत कर, कम से कम एक चाय तो पिला दे। खामोश 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 खामोश, एक चाय कप के लिए मेरी जान खा रहा है तू? छुटकू ये क्या लेके खड़ा तू? गामा पहलवान कुश्ती में जाने वाले। गामा पहलवान कौन है? हाँ, इनकी ताकत की दवा है, इसे खा के आदमी के शरीर में ताकत आती है। अच्छा? ये मैं पी लूं तो दिला देना। इसको पिला दे, इसको पिला दूं। पिला देना। ये लो। धन्यवाद धन्यवाद। आहा, आहा।
ये खान, ये ले, मैं चलता हूँ। ये चुटकू, ये क्या पिला दी तूने इसको? घोड़े की जुलाब की दवा है। अब दो साल तक हमारे खेतों में खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दिन भर खेतों में बैठा रहेगा और कल मरगट लाल वेद के घर। बदमाश कहीं का। ओए मेरी जहर जब भी तुझे मालूम नहीं, ओए तू अभी तक है हसी। ओए खान, ओए इधर आजा। नहीं नहीं यार, तू चिढ़ता है, मैं तेरे से बात नहीं करता। ओए नहीं चिढ़ूंगा। नहीं नहीं, तू चिढ़ता है यार। ओए इस बार नहीं चिढ़ूंगा, तू बैठ जा। ओए 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 ओए, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पता है कल मैं शहर अपनी बीवी के साथ गया था सरहद देखने। ओ जी, उधर तो कमाल ही कमाल हो गया। बहादुरी की मिसाल कायम हो गई, मेरा सर ऊंचा हो गया। पूछ क्यों? अरे पूछ क्यों? हाँ चल क्यों? ओए होए हो, मेरी बीवी ने शेर को गले लगा लिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। ओ जी खान, तू शेर को गले लगा सकता है? शेर को नहीं, बीवी को गले लगा सकता हूँ। घर में है? ओए खान, तू इत्थे से चला जा, इत्थे से चला जा। जब देखो जब उल्टी बात करता है, है? तूने बुलाया था, मैं तो आया नहीं था। फिर ऊपर से चिढ़ता भी है। ओए शेर को गले लगा के देख, पता चलेगा। संभाल के, गाड़ी के नीचे आ जाओगे भाई, संभाल के। अरे ए, रुक। ये क्या है? गाड़ी है साहब। गाड़ी? ये कैसी गाड़ी है? इसकी सीट और फ्लोरिंग कहाँ है? साहब दरअसल ये गाड़ी नहीं है, ये तारीख हिंदुस्तान है। तारीख हिंदुस्तान? जी साहब, आपको याद है एक जमाने में पेट्रोल 4 रुपए लीटर हुआ करता था? हाँ। उस जमाने मेरे अब्बा ने मुझे मकान नहीं दिया, ये गाड़ी दी और कहा बेटा सारी जिंदगी इस गाड़ी में आराम से रहना। ये क्या है? ये गाड़ी का हॉर्न है साहब। खैर, तो मैं पेट्रोल की बात कर रहा था। तो साहब पेट्रोल ऐसा महंगा होने लगा, ऐसा महंगा होने लगा कि खरीदना तो एक तरफ, पेट्रोल पंप के सामने से गुजरने की हिम्मत नहीं रही मुझे। तो मैंने इसकी ये सीट और ये फ्लोरिंग निकाल दी और इसको धक्का मार के चलाने लगा। मुझे तो तू कोई फ्रॉड लगता है। जरा देखे तुमने अपने बोनेट में क्या छिपा रखा है। अरे इंजन कहाँ है इसका? जब महंगाई हिंदुस्तान के 90 करोड़ जनता को खा गई, तो क्या मेरी गाड़ी छोटा सा इंजन नहीं खा सकती? अभी जब पेट्रोल खरीद नहीं सकते तो इंजन की जरूरत क्या है? खामखा गाड़ी के सीने पे बोझ पड़ा रहता है। जब तुम्हारी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर तुम इस गाड़ी में सफर क्यों करते हो? तुम पैदल क्यों नहीं चलते? वैसे मैं पहाड़ी आदमी हूँ, मैंने वहां सुना था कि शहर में पैदल चलने वालों के लिए कुछ जगह होती थी, तो क्या नाम क्या था उसका, भूल गया मैं। फुटपाथ। हाँ भगवान आपका भला करे, फुटपाथ है। फुटपाथ नाम की कोई चीज शहर में है? तो नहीं, नहीं है ना। उस फुटपाथ की जगह पर कहीं झोपड़े बने हुए हैं, कहीं दुकानें बनी हुई हैं, कहीं कोंचे लगे हुए हैं, कहीं भिखारी बैठे हुए हैं, और बाकी जो जगह बचती है वहां म्यूनिसपैलिटी वालों ने बड़े बड़े खड्डे खोद रखे हैं और बरसों तक खोदे रखते हैं। लगता किसी ऐसे मुर्दे की कब्र खुदी हुई जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है। एक बार मैं भी उस खड्डे में गिर गया था और म्यूनिसपैलिटी वालों ने मिट्टी भी डाल दी उस पर। अरे तो भगवान भला करे टेलीफोन वालों का, उन्होंने फिर खड्डा खोदा, मुझे बाहर निकाल लिया, वरना मैं उसमें आज तक पड़ा हुआ होता। अगर फिर कभी इस शहर में आओ तो मुझसे जरूर मिलना। क्यों सर? क्योंकि आज तुम्हें देखा तो ऐसा लगा मैंने आज पूरे हिंदुस्तान को देख लिया।